एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के आए चुनाव परिणामों की, जिसने सभी को चौंकाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से क्लीन स्वीप करते हुए एक विक्ट्री हासिल की है, पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है मध्य प्रदेश में। जहां बीजेपी ने कमाल दिखाते हुए 163 सीटें जीती है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं छत्तीसगढ़ में भी परिणामों ने काफी सभी को चौंकाया है। जिस एग्जिट पोल के लगभग सभी 8 एजेंसियों के एग्जिट पोल कांग्रेस को सत्ता में एक बार फिर दिखा रहे थे, सरकार बनाने की बात कह रहे थे, वो सभी धराशायी हो गए हैं। हालांकि बीजेपी की आखिर कौन सी रणनीतियां कांग्रेस पर भारी पड़ी, देखिए रिपोर्ट में। कहीं खुशी में ढोल बज रहे हैं, कहीं जीत की आतिशबाजी हो रही है, कहीं खुशी में झूमकर नाचकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये 3 राज्यों में बीजेपी की जीत की खुशी है। क्या नेता और क्या पार्टी कार्यकर्ता सब जश्न में डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़, जब चुनावी बिगुल बजा था तो कोई नहीं जानता था कि नतीजा क्या होगा। तीनों राज्यों में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी। दोनों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे, विश्लेषक समीकरणों का गुणा भाग करने में जुटे थे, उन फैक्टर्स की चर्चा हो रही थी जो किसी की जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, और इन विश्लेषणों में तमाम किंतु परंतु थे। लेकिन जब जनता ने फैसला सुनाया तो कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, स्पष्ट बहुमत से तीनों राज्यों की कमान बीजेपी के हाथों में सौंप दी। लेकिन बीजेपी की राह आसान नहीं थी। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, राजस्थान में गहलोत सरकार की योजनाएं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की स्कीम्स, और उस पर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं रखना, चुनौती बड़ी थी। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति का ऐसा खाका तैयार किया कि वो कांग्रेस पर भारी पड़ी, और इस रणनीति के केंद्र में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, बीजेपी ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। पीएम मोदी की अगुवाई में कैंपेन को लीड किया गया, प्रचार में मोदी की गारंटी का खूब डंका बजा। नतीजों ने साबित कर दिया कि यह रणनीति कारगर रही। जब हम उतरे धरातल पर, युद्ध की भूमि पर, तो इस आधार पर भी उतरे कि हमारी जो संगठन की शक्ति है वो फलीभूत होगी धरातल पर मोदी मैजिक को घर घर तक पहुंचाने के लिए। मोदी जी का संवाद संपर्क जो डायरेक्ट वोटर के साथ है, आज उसका परिणाम हम देख पा रहे हैं इस जीत के माध्यम से। सिर्फ MP के दिल में मोदी नहीं है, छत्तीसगढ़ के दिल में मोदी है, राजस्थान के दिल में भी मोदी है। इन चुनावों को 2024 के आम चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, और इस सेमीफाइनल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इसे मोदी मैजिक से जोड़ा जा रहा है। मोदी की गारंटी ही है, जिसने, अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो वहां पर जीत इतनी बड़ी हुई है, ऐतिहासिक हुई है, कि साथ वाले राज्यों को भी लगा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा की सरकार नहीं थी तो बहुत नुकसान हुआ। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने वैसे तो हर वर्ग से कनेक्ट स्थापित करने में पूरा जोर लगा दिया, लेकिन पार्टी ने महिलाओं पर खास फोकस किया। महिला वोटर्स को साधने में शिवराज सरकार की योजनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, चाहे वो केंद्र की योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन हो, या मध्य प्रदेश में हमने बनाई लाडली बहना जैसी योजना हो, समाज के हर वर्ग का कल्याण किया और विकास किया, तो जनता का आशीर्वाद मिला। नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से लेकर अब तक विकास के दृष्टिकोण से महिला को केंद्र बिंदु उन्होंने रखा। चाहे जनधन योजना के अंतर्गत देश में 24 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुलवाना हो, चाहे आयुष्मान योजना के अंतर्गत 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की व्यवस्था देनी हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, या उज्ज्वला के माध्यम से 9.5 करोड़ गरीब बहनों को गैस की व्यवस्था देनी हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर महिला को और सशक्त करने का, महिला को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलवाने का काम नरेंद्र मोदी ने ना किया हो। कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने हर उस मुद्दे को टच किया जो जनता का दिल जीत सके। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वादों की छड़ी लगा दी। राहुल की अगुवाई में केंद्रीय नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया। अहम बात यह है कि कांग्रेस चुनाव मैदान में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत के बूस्टर डोज के साथ मैदान में उतरी। पार्टी को भरोसा था जनता साथ देगी, लेकिन उल्टा हो गया।
जो नतीजे आए हैं जो चौंकाने वाले परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं, इसलिए जब तीन राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है। इस जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। वैसे तो हर चुनाव अलग होता है, नया होता है, लेकिन एक बात साफ है, ये जीत बीजेपी को बूस्टर देगी और कांग्रेस को मंथन करना होगा। दिल्ली से मारिया शकील, अखिलेश शर्मा के साथ, भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया के लिए।